वेलकम 9th क्लास स्टूडेंट्स, हेयर इज चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट टू लॉज ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट। इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहते हैं, मैटर क्या था? सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मैटर एनीथिंग दैट हैज़ इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का मास हो और जो जगह कवर करता है वो मैटर होता है। अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते रहते हैं, वी गेट स्मॉलर, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलते रहते हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब उसके बाद डिविजिबल जो है उसे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। वो जो स्टेट है, वो जो चीज़ आ चुकी है जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, वो सबसे छोटा पार्टिकल आ चुका है। इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग, जो कि इंडियन फिलोसोफर नेम है उनका महर्षि कन्नड़, उन्होंने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को, ऐसे पार्टिकल जिन्हें अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन्हें नाम दिया था परमाणु। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस, उन्होंने इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नेम दिया था एटम्स, क्योंकि ग्रीक में एटम्स का मीनिंग ही इंडिविजिबल होता है। इसके बाद तो यहाँ से हमें एटम्स पता चले कि एटम्स होते गए, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि एटम कैसे किसे कहा जाता है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं किए जा सकते। और मैटर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज़, जो सबसे छोटे पार्टिकल थे, उनको एटम्स कहा। फिर एंटोइन एंड लवोइसर लेड द फाउंडेशन, इन्होंने हमारी केमिकल साइंस की, केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी, मतलब नींव रखी, एस्टेब्लिश किया। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कम्बिनेशन की, और इसी से एक पूरी केमिस्ट्री बनी है। सो इसीलिए एंटोइन एंड लवोइसर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद आए, इन्होंने जो टू लॉज दी हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जिन्हें कहा जाता है, एंटोइन एंड लवोइसर ने दिया है। मेनली नाम इन्हीं का रहता है, लेकिन इनके साथ कंट्रीब्यूशन में जोसेफ एल प्रोस्ट भी थे, सेकेंड लॉ इन्होंने ही दी थी। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन टू लॉज का कम्बिनेशन है। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एंटोइन एंड लवोइसर ने दी है। इट स्टेट दैट, ये कहती है कि किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में टोटल मास प्रोडक्ट का इक्वल होता है टोटल मास रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट मतलब जिनको आप रिएक्ट करवा रहे हो, जो चीज़ आप लेके चले, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद हमें रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट मिला मतलब जो रिजल्ट मिला, और रिएक्टेंट जो चीज़ हम लेके चले थे वो चीज़। जैसे अगर पानी बना रहे हो तो पानी बनाने के लिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके चले, और हमें बिना क्या, वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। इसी तरीके से इसी की सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब हम जितना लेके चलेंगे उतना ही रिजल्ट में मिलेगा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ना ही कोई लिया हुआ कहीं फालतू में वेस्ट होगा। तो इट्स स्टेट दैट, ये कहती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता ना ही ख़त्म किया जा सकता किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में। जैसे एग्जाम्पल दिया, रिएक्शन है ए प्लस बी मिल रहे हैं और बना रहे हैं सी प्लस डी, तो ए और बी रिएक्टेंट हो गए, सी और डी प्रोडक्ट हो गए। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ए और बी का जितना मास है उतना ही सी और डी का मिलाकर आएगा। तो सम ऑफ मासेज ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू सम ऑफ मासेज ऑफ ए एंड बी। ये थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, यानी कि डेफिनेट, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। ये दी थी जोसेफ एल प्रोस्ट ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे। ये लो ये कहती है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर प्योर स्टेट में ले रहे हो, देखो अगर इम्प्योर लोगे तो आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो प्योर चीज़ होती है उसमें तो फिक्स होता है कि आपको इतना ही लेना है, प्योर तो तभी बनेगा। तो कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जिनके मास की रेशियो हमेशा फिक्स होती है। कि आपको अगर ये चीज़ बनानी है, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है,
तो इसमें फिक्स होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन इतने ग्राम लोगे, इसका मास इतना लोगे और ऑक्सीजन इतना लोगे, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं तो वो कुछ और बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वो प्योर नहीं रहेगा, कुछ और कंपाउंड बन जाएगा या फिर वो प्योर में नहीं आएगा। तो इसीलिए गेलो यही कहती है कि प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं और वो एलिमेंट भी हमेशा उनके मास की रेशियो फिक्स रहती है। इसी लॉ का सेकेंड नेम है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, क्योंकि डेफिनेट मतलब फिक्स, कंपोजिशन का मतलब है कि जिससे मिलके वो बने। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही लगेगा ना, और उनके मास की रेशियो भी फिक्स है, तो इसीलिए इसका सेकेंड नेम डेफिनेट कंपोजिशन भी है। एग्जाम्पल दे दिया, द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो, जैसे फर्स्ट है बाय बर्निंग कार्बन और कॉक इन एयर और ऑक्सीजन। कार्बन या कोयले को जला दो, कोयले में भी कार्बन ही होता है। हवा में या ऑक्सीजन में, हवा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हवा में भी ऑक्सीजन है, कम अमाउंट में होती है। अच्छा, और प्रॉपर अगर ऑक्सीजन वर्ड दे रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो उसे। तो हम बर्न, किसी भी चीज़ को बर्न करने का, जलाने का मतलब हमेशा ऑक्सीजन देना होता है ज़्यादा अमाउंट में। कम अमाउंट नहीं चलेगी क्योंकि कम अमाउंट तो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन वो चीज़ हर चीज़ जल तो नहीं रही। तो क्या है एक्चुअली में, बर्न करने का मतलब है एक्सेस अमाउंट में, मतलब जितनी उसकी लिमिट है, कि एक लिमिट होती है कि उस चीज़ को जलने के लिए कोई चीज़ जल्दी जल जाती है, जैसे कागज़ के टुकड़ा जल्दी जल जाता है। अब यही लकड़ी को जलाने लगो, आपको पेट्रोल पहले डालना पड़ता है या फिर टाइम लगता है। तो क्या है, किसी को कम ऑक्सीजन में भी काम चल जाता है, किसी को ज़्यादा में भी, लेकिन जो एयर में है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हवा में कोई भी चीज़ पड़े पड़े नहीं जल रही। तो बर्निंग का मीनिंग बेसिकली है ऑक्सीजन दे देना, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी। सेकेंड मेथड, कार्बन डाइऑक्साइड हम बना सकते हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन। अगर हम लाइमस्टोन, जो कि विच इज़ केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड का नाम है CaCO3, अगर इसे बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। थर्ड मेथड है बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगर इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब अलग अलग तरीके बता दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन जलाने से भी बनती है, लाइमस्टोन को जलाने से भी बनती है, गर्म करने से बनती है, और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तब भी बनती है। तो तीनों ही केसेस में बन रही है, अलग अलग तरीकों से बन रही है। इन ऑल केसेस, हर केस में अगर इनके मास के रेशियो देखे कार्बन और ऑक्सीजन के, तो मास के रेशियो 12:32 आ रही है। कार्बन का मास 12 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए 1 का 16 था तो 2 का 32 हो गया, 12:32। 4 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8 आया आंसर। चाहे किसी भी तरीके से हम बनाते हैं, हमारी रेशो 3:8 ही आती है। नेक्स्ट हमारा आज का डिस्कशन, यहाँ तक का डिस्कशन हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके थे मेनली, अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने एक थ्योरी दी है। थ्योरी किसे कहा जाता है, जब कोई एक्सपेरिमेंट ना देकर अपनी कही हुई, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसने ऑब्जर्वेशन कर लिया, जब वो उस चीज़ को ना प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा रहा, हमें सिर्फ ना उसके बारे में बता रहा है कि ये चीज़ें होती है, तो उसे कहा जाता है थ्योरी। इसीलिए साइंस में दो पोर्शन होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम सब कुछ करके देखते हैं, थ्योरेटिकल में जो लोग कर चुके हैं उनकी कही हुई बातों को समझते हैं। जैसे नोट्स बनाना मतलब थ्योरी कर रहे हो आप लोग रिटन में। एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटम के बारे में थ्योरी दी है इसने, एटम के बारे में ना बहुत सारी बातें कही हैं तो उनको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैटर, सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ मैं, कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं मैटर। जॉन डोल्टन इस साइंटिस्ट का कंप्लीट नेम है, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट था। 1808 में इसने एक गेव अ फेमस थ्योरी, एक बहुत फेमस थ्योरी दी है अबाउट एटम, एटम के बारे में, नोन एज, जिसे कहा जाता है डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर की डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। फीचर्स ऑफ डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के फीचर्स वर्ड भी यूज़ करते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी,
या पोस्टुलेट्स भी, तीनों का मीनिंग यही है कि इसने क्या क्या बातें कही हैं, क्या इसके पोस्टुलेट है, मतलब क्या क्या है इस थ्योरी में, फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, चारों वर्ड यूज़ हो सकते हैं, फीचर्स, पोस्टुलेट्स, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी, या कुछ भी कह सकते हो फोर में से। एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, नोन एज एटम, जिसे एटम कहते हैं। तो फर्स्ट तो एटॉमिक थ्योरी की उसने डेफिनेशन दे दी एटम की, कि हर एक मैटर काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे कहते हैं एटम। सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एटम्स जो हैं सबसे छोटे और अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं मैटर के, कि मैटर को बनाना है तो हमें क्या लगेगा, सबसे छोटी चीज़ तो लगेगी ना, जो कि एटम है। एंड कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, सबका मतलब पार्ट होता है, सबका मतलब हिस्सा होता है, कि इसे और ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और ज़्यादा छोटे पार्टिकल में इसके और हिस्से नहीं किए जा सकते, ये अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। थर्ड पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एटम आप बना सकते बिना किसी चीज़ का यूज़ किए, हम कुछ बना ही नहीं सकते, मास नहीं बना सकते, तो एटम भी कहाँ बना सकते हैं, एटम पार्टिकल ही है ना, पार्टिकल कैसे बनाएंगे हम लोग, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में। फोर्थ पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे प्लास्टिक के चेयर है, तो प्लास्टिक में प्लास्टिक के ही एटम्स हैं सभी, क्या हैं, आपस में बिल्कुल सेम हैं, आइडेंटिकल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, हर चीज़ में। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर के सारे सेम हैं, गोल्ड की बात करोगे, एक ही चीज़ का गिनना है। अब सिल्वर और गोल्ड, अब दो अलग अलग चीज़ों को देखोगे तो उनके तो एटम अलग अलग निकलेंगे, तो एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर सभी एटम्स को देखोगे वो आइडेंटिकल होते हैं हर रिस्पेक्ट में, चाहे उनके शेप की बात करें, साइज़ की बात करें, सब कुछ। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है दे हैव सेम मास, इनका सेम मास आएगा, साइज सेम होगा और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम आएगा। फिफ्थ पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जबकि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स हैव डिफरेंट मास, जब अलग अलग एलिमेंट है तो उनका मास अलग अलग होगा, साइज अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। सिक्स्थ पॉइंट, एटम्स, जैसे सिल्वर और गोल्ड का ही बता दिया, सिल्वर के एटम कुछ अलग होंगे, गोल्ड के कुछ अलग होंगे, उनका मास कुछ अलग होगा, साइज कुछ अलग होगा। अभी हम पढ़ तो रहे हैं इसकी थ्योरी, लेकिन इनमें से बहुत सारी बातें अभी गलत प्रूव हो जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, वो तब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि एटम से भी छोटी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, तब ये इनमें से कुछ बातें गलत प्रूफ हो जाएंगी। सिक्स्थ पॉइंट है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम जो है मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल हैं, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो मैटर का जो छोटा हिस्सा जो कि रिएक्शन में पार्ट ले सकता है वो है एटम। रिएक्शन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन लगा, तो कार्बन का हम एक एटम ले सकते हैं, अब एक एटम से छोटी चीज़ नहीं ले सकते, तो ये सबसे छोटी चीज़ है मैटर की जो कि केमिकल रिएक्शन में कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। सेवन्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, चाहे सेम एलिमेंट की बात करें या अलग की बात करें, इनके जब सेम एलिमेंट के कंबाइन हो या अलग अलग के कंबाइन हो, ये हमेशा स्मॉल छोटे छोटे होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल बता दूँ क्या होता है, जब एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन देन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जब भी देखो क्या होता है, एटम सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन ना हर चीज़ एटम की फॉर्म में रह नहीं सकती, वो ना अकेली रह नहीं सकती, इसीलिए वो ग्रुप बना के रहती है। तो जब भी एक एटम से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाएंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे, तो उसे नेम दिया है मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कम्बिनेशन को कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये कह रहे हैं कि एटम चाहे सेम तरीके के हों, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस बनानी है, ऑक्सीजन गैस का मतलब है O2। O2 कब बना, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तभी तो O2 बन रहा है। तो सेम सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, किस रेशियो है,
वो एक ऑक्सीजन भी वन था और दूसरा ऑक्सीजन भी वन था, तो रेशियो जो ये कंपाउंड बना है ओ टू टू बन गया, सिंपल होल नंबर है। जबकि अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या बनी 1:2। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे होल नंबर ही आ रहे हैं ना, इनकी रेशियो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आया, तो ये कहा था इन्होंने। नेक्स्ट, बोथ द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आर वेल सपोर्टेड, जो दोनों लॉज अभी अभी हमने पढ़ी थी केमिकल कम्बिनेशन की, दोनों ही डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही बातें हम लोगों ने पढ़ ली फर्स्ट से, जैसे हमें डेफिनेशन भी दी थी एटम की, थर्ड पॉइंट ने मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले को फॉलो करवा दिया, और प्रोपोर्शन वाली 7th पॉइंट से क्लियर हो गई। तो दोनों ही लॉज फॉलो हो रही थी, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, मतलब सेटिस्फाई था। अब ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थी, मतलब ये फेल हो गई थी। ये एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये आपका 4th चैप्टर में आता है, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो, अगर कुछ पॉइंट फिर भी क्लियर नहीं होगा तो वो 4th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा 4th चैप्टर से रिलेट करता है, और ये टॉपिक आपकी बुक में भी 4th चैप्टर में दिया है। मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट और फीचर, ज़्यादातर जो फीचर्स थे, ज़्यादातर जो बातें थी डोल्टन की थ्योरी की आर डिफेक्टिव, वो क्या थी, डिफेक्टिव थी, बिल्कुल करेक्ट नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट था, सम लिमिटेशन, इनकी कुछ कमियाँ डोल्टन की थ्योरी की वो ये रही। फर्स्ट, एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी, पहला पॉइंट जो उसने कहा था, एटम की डेफिनेशन थी कि हर एक मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जैसे एटम का, लेकिन फर्स्ट लिमिटेशन इसी से रिलेटेड पाया गया, एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के भी, सब का मीनिंग पार्ट यानी हिस्से, किसके, एटॉमिक पार्टिकल के, एटम के भी हिस्से मिले, कि एटम से भी छोटी चीज़ एग्जिस्ट करती है, एटम खुद छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो एटम्स जो है पाया गया कि उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, द इम्पोर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल जो मेनली हम सब एटॉमिक एटम के भी हिस्से देखते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्ट होते हैं एटम के। तो हमने तो कहा था एटम सबसे छोटा चीज़ होता है मैटर का, लेकिन एटम के तो खुद के तीन हिस्से हैं, मतलब ये छोटा नहीं है, इससे भी छोटी चीज़ें हैं, तो एक तो ये बात फेल हो गई। अच्छा, दूसरी, इसने जो ये पॉइंट कहा था 4th नंबर पे कि सेम सेम एलिमेंट का सब कुछ सेम सेम होता है, लेकिन ये कहते हैं कि सेम एलिमेंट के भी अलग अलग मास हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी अलग अलग मास हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की ही आप लोग देखते हो कुछ चेयर काफ़ी हल्की होती हैं, कुछ चेयर काफ़ी भारी होती है, थे तो वो प्लास्टिक के ही, एटम तो उसके प्लास्टिक के ही थे, लेकिन कोई उसका वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, वो एक्चुअली में वैसे तो मिलावट की वजह से भी हो रहा है, हम उनकी किसी और के साथ रिएक्शन या उसका मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है तो सही ना अलग मास, इनको कहते हैं आइसोटॉप्स, ऐसे एलिमेंट जिनका मास अलग अलग हो लेकिन है वो सेम, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं, ये भी 4th चैप्टर में आता है। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, इसने कहा था अलग अलग एलिमेंट का सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार अलग अलग एलिमेंट का भी सेम मास निकल आता है, आप किसी चीज़ का वजन कर लो उसका मास ले लिया, अब किसी और चीज़ का भी उतने मास वाला ले लो, लेकिन वो तो अलग अलग एलिमेंट है, उनको आइसोबार्स कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो हैं तो अलग अलग लेकिन मास होता है सेम, उनको आइसोबार्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसने ये कहा था कि सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं 7th पॉइंट में, लेकिन ये भी गलत कह दिया इसने, जैसे एग्जांपल से ही समझाती हूँ, जैसे शुगर केन, जिसे सुक्रोज कहा जाता है, शुगर केन गन्ने को कहते हैं, C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें देखना कार्बन कितने हैं 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, रेशियो कैंसिल ही नहीं हो रही, ये तो कितनी बड़ी होल नंबर रेशियो आ गई, उसने तो कहा था सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ एटम्स, एटम्स का साइज, अकॉर्डिंग टू डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं। इट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है इन ऑल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आप कोई भी फिजिकल चेंज करवा लो, उसको सॉलिड से लिक्विड बनवा लो, उसकी शेप चेंज कर दो, तब भी वो एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। आपने प्लास्टिक का एक एटम ले लिया तो उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, आप एक लो, दो लो, आप कितने भी उसको कंबाइन करके चेयर बना दो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ बना दो, उसकी क्वालिटी तो वही रहेगी जो छोटे से पार्टिकल की थी। कि उसके प्लास्टिक वाली जैसे बैड कंडक्टर होते हैं, तो वही पूरी चेयर में भी क्वालिटी आएगी। तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, चाहे आप फिजिकल चेंज करवाओ, चाहे आप केमिकल रिएक्शन करवाओ, तब भी। नेक्स्ट, साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। हमने कहा किसी भी मैटर को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ एटम थी। अब एटम देखो, इस पूरे चैप्टर में हमें एटम को ही छोटा मानना है, उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम देखेंगे कि एटम से भी छोटे तीन चीज़ें और हैं। इनफेक्ट वैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इस चैप्टर में जितना डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक बार एटम को ही छोटा लेना। तो एटम का साइज ना बहुत छोटा है, दैट इट कांट बी सीन विद नेक्ड आई। कि इन्हें नेक्ड का मतलब होता है नंगी आंखों से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना टेलीस्कोप के, या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखना। तो इतना ज़्यादा छोटा है कि हम देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम चौक भी पकड़ते हैं ना, चौक का पाउडर भी सिर्फ एक दाना नहीं हमारे हाथ में आता, इतने सारे दाने आ जाते हैं, मतलब इतने सारे पार्टिकल आ जाते हैं। एक पार्टिकल भी जो हमारे अगर हमें दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो भी एटम नहीं है, वो भी एटम्स का कम्बिनेशन है। तो बहुत छोटा होता है, हम देख ही नहीं सकते। साइज ऑफ एटम इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। अगर हमें एटम का साइज़ बताना है कि इतना है, तो उसको बताने का तरीका होता है उसके रेडियस से। जैसे कोई भी चीज़ गोल होती है, स्फीयर शेप में होती है, तो हम उसका साइज़ उसके रेडियस से बताते हैं ना। तो साइज़ एटम का जो शेप मानी जाती है वो स्फेरिकली मानी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हमें बताना है कि इसका साइज़ इतना है, तो रेडियस ही बताएगा। सर्कल का या स्फेयर का तो रेडियस ही उसके साइज़ के बारे में बताता है। रेडियस छोटा तो साइज़ छोटा, रेडियस बड़ा तो साइज़ बड़ा, तो जिसे कहा जाएगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम का रेडियस। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। एटम क्या है? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, पोर्शन है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अकेले एटम, एटम जो है ना, वो अकेले मिल भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ चीज़ें अकेले रहना पसंद करेंगी, मतलब एटम की फॉर्म में, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकेले नहीं रहेंगी, वो जुड़ के रहेंगी। दो तीन एटम हमेशा मिल के रहेंगे, दो तीन एटम मिल गए मतलब वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगी। तो एटम रह भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली और नहीं भी, जबकि जब अकेले रह सकते हैं तो वो हमेशा एटम की फॉर्म में रहेंगे, जब वो अकेले नहीं रह सकते तो दो तीन जुड़ के रहेंगे, मतलब एटम एटम कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। अब साइज़, क्योंकि एटम इतने ज़्यादा छोटे हैं, जैसे हम बड़ी चीज़ को मेज़र करना हो, आपको लेंथ मापनी है, ज़्यादा है तो किलोमीटर में कर लेते हो, कम है मीटर में कर लेते हो, उससे भी कम है सेंटीमीटर, उससे भी कम है मिलीमीटर, वैसे ही है तो उससे भी कम है, क्योंकि साइज़ एटम का तो हम देख ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा छोटा है। तो बहुत छोटी यूनिट में मेज़र करते हैं, जिसका नाम है नैनोमीटर, NM। नैनोमीटर को लिखा जाता है 1 नैनोमीटर, NM। नैनोमीटर का मतलब है 10^-9 meter, 10^-9 meter। तो 1 meter में 10^9 nanometer होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट ने एक माइक्रोस्कोप बनाया है नोन है, जिसे कहा जाता है SGM, फुल फॉर्म है इसकी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, क्योंकि वैसे तो बहुत छोटे हैं एटम, दिखते नहीं हैं, इनको अच्छे से देखने के लिए अलग से माइक्रोस्कोप बनाया गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। कब बनाया? 1981 में। टू टेक फोटोग्राफ ऑफ एटम, एटम की भी फोटोग्राफ देखने के लिए, क्योंकि इनकी स्टडी करनी है तो सब कुछ जानना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखिए रिलेटिव साइज़। हम वैसे तो एक एटम को जब देख ही नहीं सकते तो उसका साइज़ भी पता नहीं कर सकते, लेकिन हम रिलेटिव क्या होता है, जब किसी चीज़ से रिलेट करके निकाल ले। मान लो कि आपको ये पता चल जाए कि ये 10 हाइड्रोजन के एटम है, ये 10 हाइड्रोजन के एटम है और इनका टोटल मास 10 है, ये 10 हाइड्रोजन के एटम है और टोटल मास 10 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, हम एक का कैसे पता लगाएंगे, टोटल 10 ग्राम है, थे ये 10 तो 10 by 10 करके यानी हर एक का 1 1 ग्राम है, तभी तो हर एक का 1 1 ग्राम, तो 10 का कितना हो गया 10 ग्राम। तो हम इस तरीके से एक का निकाल लेंगे अगर हमें टोटल पता, इन्होंने रिलेटिव साइज़ कैसे निकाले थे उस टाइम पर, टोटल वो लोग थोड़े हाइड्रोजन, जैसे किसी भी चीज़ का निकालना है वो थोड़ी अमाउंट में ले लिया, पता चल जाता था कि वो इतने हैं इसके अंदर एटम, उसको भी निकालने का तरीका होता था, तो कितने हैं और टोटल का मास कितना है या टोटल का साइज़ कितना है उससे एक का निकाल लिया जाता था। तो ये आपको टेबल में इसलिए दिया हुआ है, रेडियाई मीटर में दिया हुआ है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का रेडियाई है 10^-10 मीटर, एक्चुअल मास ये रहा रेडियाई, सॉरी 0.37 × 10^-10, तो 0.37 मतलब 0 के अबाउट हो गया ना, तो इसीलिए इतना ही रखते हैं सीधा 10^-10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला याद करो, H2O मतलब हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, एटम्स का कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा एटम आ गए, दो तो हाइड्रोजन ही हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया पानी में, तो ये तो तीन चीज़ें हो गई, और जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम उसे तो मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल कहा। इसका रेडियस 10^-9 होता है, एक पानी के एटम का मतलब जो छोटा सा है, एटम तो उसे बोल नहीं सकते क्योंकि वो अकेला नहीं रहता, मॉलिक्यूल है H2O क्योंकि उसमें दो दो चीज़ें हैं, तो इसके मॉलिक्यूल का साइज 10^-9 मीटर होता है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, ये भी कंबाइंड स्टेट में है, एटम का कम्बिनेशन है, मॉलिक्यूल है, इसका रेडियाई 10^-8 है। ग्रेन ऑफ सैंड, मिट्टी का जो सबसे छोटा कण होता है उसका साइज 10^-4 है। आंट, चींटी का साइज 10^-3 या फिर 10^-2 होता है। एप्पल का 10^-1 एटम का साइज़ की बात कर रहे हैं, वैसे तो एप्पल बहुत बड़ा होता है, हमें दिखाई भी देता है, हम लोग खाते हैं, हम एटम इनके एटम्स की बात कर रहे हैं जो सबसे छोटा जिससे मिलके बने हैं। सो यहाँ तक डन। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये लिया जा सकता है 1.6 × 10^-27 किलोग्राम, ये किलोग्राम में चेंज कर दिए, मास कर दिया ना, हम लोग यहाँ रेडियाई की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के मास का यूज़ होता है इसलिए यहाँ बता दिया। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के सिंबल। अब देखो हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही है, पेपर है, पेंसिल है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आयरन की चीज़ें, लोहे की हैं, कुछ मेटल्स हैं तो कुछ नॉन मेटल हैं, तो इतने सारे एलिमेंट हैं हमारे आसपास, पूरा यूनिवर्स इतने सारी चीज़ों से बना हुआ है, हर एक चीज़ हमें तो बहुत अलग अलग लग रही है, हर एक में कुछ अलग क्वालिटी है। एक्चुअल में हमारे पास जो पूरा यूनिवर्स है बना हुआ है टोटल 118 एलिमेंट से, हमारे यूनिवर्स में आज तक हमें 118 एलिमेंट पता है जिससे मिलकर हर एक चीज़ बनती है। अब जैसे 118 से इतनी सारी चीज़ें कैसे बन जाएंगी, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ग्लूकोज भी बना सकते हैं। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन जब अलग अलग अमाउंट में, जैसे एग्जांपल नॉर्मल अपनी किचन से ले लो, आप लोग आलू का यूज़ करके कितनी अलग अलग टाइप की सब्जियाँ बना सकते हो, कभी किसी के साथ कंबाइन करके कुछ अलग बना देते हो, किसी के साथ जोड़ के कुछ अलग बना देते हो, तो वैसा ही यहाँ है, टोटल तो हमारे पास 118 एलिमेंट है। अच्छा मोस्ट फेमस एग्जांपल ले लेती हूँ, इंग्लिश में A to Z अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26, A to Z टोटल अल्फ़ाबेट 26 है, लेकिन आपने 26 लेटर को इधर उधर ज्वाइन कर कर कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स बना दिए। वैसे ही हमारे पास टोटल यूनिवर्स जिनसे बना हुआ है टोटल 118 ही एलिमेंट्स हैं जिससे यूनिवर्स बना हुआ है, वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कंबाइन होते जाते हैं, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग चीज़ें बनती रहती हैं।
तो इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगी कि हमारे आसपास की हर एक चीज़ में क्या क्वालिटी है, वो किससे मिलके बनी है। तो बेसिकली जैसे हम इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ने के लिए ए टू जेड तो पढ़ोगे तभी तो सब समझ आएगा। सिमिलरली अगर हमें सब कुछ पढ़ना है तो हमें एलिमेंट्स पढ़ने होंगे। तो हमारा अब ये जो चैप्टर चलेगा ना, वो एलिमेंट्स पे चलेगा बेसिकली। तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में शॉर्टेड नेम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के छोटे नाम आर नोन एज सिंबल, इन्हीं को कहते हैं सिंबल। किसी भी चीज़ को छोटा नाम दे देना ना, उसे कहते हैं सिंबल। डोल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, डोल्टन के एलिमेंट्स के सिंबल, डोल्टन ने कुछ सिंबल दिए एलिमेंट्स को। डोल्टन आइडेंटिफाइड सम एलिमेंट, डोल्टन ने कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब उसने आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। एंड कंपाउंड बाय यूजिंग, कंपाउंड क्या होती है, देखो एलिमेंट तो होती है सबसे छोटी चीज़, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अलग अलग चीज़ें हो गई ना, ये एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड होता है जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, जैसे वाटर है, वाटर कब बना, जब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन जुड़े फिक्स रेशियो में, कि हाइड्रोजन 2 लेना है, H2, और ऑक्सीजन 1 लेना है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। बाय यूजिंग सर्कल्स, इसने क्या किया, सिंबल्स को सर्कल्स का यूज़ करके उनका सिंबल बना दिए। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, उन सबको थोड़ा थोड़ा अलग भी देना था, ऐसा तो था नहीं कि सबको एक ही सर्कल में डाल देते तो सिंबल हमें पहचान में कैसे आते कि कौन किसका सिंबल है। उन सबको अलग करने के लिए ही पुट सर्टेन साइन इनसाइड द सर्कल, उसने सर्कल के अंदर ना कुछ अलग अलग साइन डाल दिए, लेकिन कोई लॉजिक नहीं था जो उसने यूज़ किया, इसलिए फेल हो गया था एक्चुअली। डोल्टन सिंबल फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो इसने कुछ एलिमेंट और कंपाउंड के जो सिंबल दिए वो मैंने कुछ के एग्जांपल दे दिए, जैसे हाइड्रोजन का इसने सिंबल दिया, सर्कल तो सब में आएगा ऑफकोर्स, हाइड्रोजन में इसने बीच में डॉट लगा दिया, ऑक्सीजन में खाली छोड़ दिया, नाइट्रोजन में एक लाइन डाल दी, कार्बन में पूरा फिल कर दिया, सल्फर में प्लस का साइन है, लेड में एल का साइन है, कॉपर में सी, जिंक जेड, मरकरी में ऐसे स्टार सा डिज़ाइन बना दिया। वाटर जो कि कंपाउंड है H2O, इसमें हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन वाला सिंबल जो था दोनों साइड में लगा दी, ऑक्सीजन वाला जो सिंबल था बीच में लगा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन CO2, कार्बन वाला एक है तो बीच में लगा दिया और ऑक्सीजन वाले दोनों सिंबल साइड में लगा दिए। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाई मतलब 2, सल्फाइड मतलब सल्फर, तो सल्फर वाला एक बीच में और हाइड्रोजन 2 है, H2S होता है इसका फॉर्मूला, H2S, हाइड्रोजन 2 है तो साइड में 2 वाले लगा दिए। तो इस तरीके से इसने अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ सिंबल दे दिए, कोई लॉजिक नहीं था कि क्यों सल्फर में प्लस साइन दिया, या तो लेटर यूज़ कर रहा था, जैसे कॉपर में सी यूज़ किया, जिंक में जेड यूज़ किया, तो सब किया तो पहले लेटर यूज़ कर लेता, तो फेल हो गया था कहीं ना कहीं। सिंबल्स यूज्ड बाय एल्केमिस्ट, ऐसे ही एल्केमिस्ट जो होते हैं, मतलब जो आर कॉल्ड, इन्हें फाइन फिलोसफर्स कहते हैं, फायर फिलोसफर्स, ये भी फिलोसफर्स होते हैं। फिलोसफर्स बेसिकली ना एक तरीके के ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह थ्योरी पढ़ ली है और अब उन्हें काफ़ी नॉलेज हो जाती है ना, तो वो अपनी थ्योरी एक तरीके के बातें झाड़ के चले जाते हैं, तो ये भी फिलोसफर्स होते हैं। वज अ एंशियंट केमिस्ट, प्राचीन काल के केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानते थे। दे यूज सर्टेन साइन, उन्होंने भी कुछ साइन का यूज़ किया, सिंबल का यूज़ किया है, बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल ओरिजिन टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स। मिथोलॉजी क्या होती है, जो पुरानी बातें नहीं होती कि हाँ ये कोई भी कहावतें टाइप्स लगा सकते हो कि ये मिथ है, कि ये चली आ रही है, लोग ये कहते थे, तो उनके बेसिस पर इसने कहा। गोल्ड को इसने इस तरीके से ये कुछ सिंबल दिखा दिए, गोल्ड का सिंबल्स हैं कॉपर, टिन, अर्थ, मरकरी, वाटर, कॉमन सॉल्ट, सिल्वर, आयरन, सल्फर, तो इस तरीके के इसने सिंबल्स का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न सिंबल्स और केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। आज जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, आज के जो मॉडर्न सिंबल हैं एलिमेंट्स के, जो केमिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ये उसके बारे में है बेसिक डिस्कशन। अब है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाकी सब तो फेल हो चुका है, हमारे जो एक्चुअल हैं वो यही हैं, ठीक है। अब देखिए, द सिंबल सजेस्टेड बाय एल्केमिस्ट, जो एल्केमिस्ट ने सिंबल दिए, डॉल्टन ने दिए, हैड नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं था, वर ऑल्सो नॉट सिस्टमेटिक, कोई सिस्टमेटिक नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था किस तरीके से उन्होंने दिया, कुछ नहीं पता।
मॉडर्न सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स वर, जो मॉडर्न सिंबल एलिमेंट्स के दिए गए हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये दिए हैं जे जे बर्जीलियस ने। जे जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने आज के जो हम सिंबल पढ़ते हैं, याद हैं हमें, वो इसने दिए। दी सिंबल्स आर ऑल्सो नोन एज, इन सिंबल्स को केमिकल सिंबल भी कहा जाता है। सिंबल क्या होता है? अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नेम को छोटे वे में बताना, उसी को उसका सिंबल या केमिकल सिंबल कहते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, डॉक्टर को डी आर डॉट डाल देते हैं, एमएलए एक्चुअल में तो फुल फॉर्म थी ना, तो क्या किया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दे दी, कि छोटा नाम करके दे दिया, उसी को कहा जाता है सिंबल। सिंबल जो कि यूज्ड बाय बर्जीलियस, जो बर्जीलियस ने यूज़ किए हैं, आर बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस। उसने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ गाइडलाइन थी, उसके बेसिस पे सिंबल दिया, बिना लॉजिक के नहीं दिया, इसलिए सक्सेसफुल रहा ये। क्योंकि साइंस में बिना लॉजिक के बात कोई फ़ायदा नहीं है, फेल हो जाती है। आप कितनी भी सही बात भी कहोगे, आपने लॉजिकली वो बात नहीं की, आप गलत हो। इन सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम रिप्रेजेंट देयर सिंबल्स, कुछ एलिमेंट में उनके इंग्लिश नेम का जो पहला लेटर था, वही सिंबल का, वही उसका सिंबल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का O है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, तो जो उनका नेम था ना इंग्लिश में, उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में भी जैसे कॉपर को तांबा कहते हैं, लेकिन उसका सिंबल सी से स्टार्ट किया गया, ना कि तांबा का टी बना दे, ठीक है। और वैसे ही और भी लैंग्वेजेस हैं, तो उनके भी फर्स्ट लेटर अभी हम लेंगे, तो इसीलिए कुछ एलिमेंट की बात की है, कुछ एलिमेंट के जो सिंबल हैं उनके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर लिया। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के जो सिंबल हैं, सेकेंड पॉइंट, whose first letters are same, जैसे मान लो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका पहला लेटर सेम है, बैरियम है, ब्रोमिन है, बिस्मिथ है, बोरोन है, ये सभी एलिमेंट हैं, सभी का तो फर्स्ट लेटर बी है। अब सबको सेम नेम देंगे तो हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, सभी बी लेटर से आ रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लेटर, तो इनको फर्स्ट लेटर तो ले लेंगे, फॉलोड बाय सम प्रोमिनेंट लेटर फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम, इन्हीं के इंग्लिश नेम के कुछ और लेटर भी पीछे का उठा लिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट लेटर उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ये नेम फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन फिक्स करने कौन से रूल पे हैं, तो ये रूल पढ़ रहे हैं हम, उन्होंने इन रूल्स को फॉलो किया हुआ है। तो जैसे किसी का फर्स्ट टू लेटर उठा लिया, किसी का फर्स्ट और थर्ड लेटर उठा लिया, तो इस तरीके से उठाया गया है। जैसे बेरियम का सिंबल होता है बी ए, ब्रोमिन का होता है बी आर, बोरोन का बी होता है, बिस्मिथ का सिंबल बी से है ही नहीं, कुछ और लॉजिक है, इसलिए आगे ही पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, वाइल द सेकेंड लेटर इज स्मॉल। अगर किसी में आपने दो लेटर उठाए, जैसे मैंने कहा बेरियम का बी ए उठाया, तो बेरियम जब बी ए लिखोगे, बी कैपिटल होगा और ए स्मॉल लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड स्मॉल। अगर कुछ भी गलत किया, आपका एलिमेंट बदल गया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सम एलिमेंट्स हैव बोथ इंग्लिश एज वेल एज लैटिन और जर्मन नेम्स, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में भी उन्होंने नाम दिए हुए साइंटिस्ट ने, और उनका लैटिन लैंग्वेज में भी या जर्मन लैंग्वेज में भी नाम है। सिंबल ऑफ सच एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के जो सिंबल है, इंक्लूड फर्स्ट लेटर, उनका पहला लेटर उठाया है उनके लैटिन या जर्मन नेम से, एक्सप्रेस जस्ट कैपिटल, पहला कैपिटल उठाना है, उसके बाद कोई भी प्रोमिनेंट लेटर, या तो सेकेंड या फिर थर्ड लेटर उठाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी रिसर्च करनी है, कोई भी डेवलपमेंट करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन है, आर गाइडेड बाय द बॉडी, ये कौन प्रोवाइड करता है, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप काफ़ी बार पढ़ोगे IUPAC, IUPAC, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच है जो कि सारे के सारे डिसीजन लेती है साइंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को नाम देना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन है, कोई भी नई डिस्कवरी है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, कोई नेम देना है, कोई डिसीजन है, ये वो ब्रांच है जो डिसीजन लेती है, ये पेरिस में है। लेबोरेटरी एक,
दे हैव अप्रूव द सिंबल ऑफ एलिमेंट, उन्होंने एलिमेंट को कुछ सिंबल अप्रूव किए गए हैं. दीज आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हर जगह इन सिंबल्स को वही यूज़ किया जाता है. हम लोग अपनी मर्जी नहीं चला सकते क्योंकि अप्रूवल इनको देना होता है. तो देखिए, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नेम, जैसे सिल्वर है, इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम था अर्गेंटम. सिल्वर इंग्लिश में इसका नेम सिल्वर है, लैटिन लैंग्वेज में इसका नेम अर्गेंटम है. इसको सिंबल इसके लैटिन लैंग्वेज के नेम के अकॉर्डिंग मैंने कहा, जिनका इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज दोनों में नेम है तो उसका लैटिन लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर और प्रोमिनेंट लेटर उठा लेना है. तो ए जी फर्स्ट और थर्ड लेटर उठाया गया. कॉपर, जिसका लैटिन लैंग्वेज में नेम था क्यूप्रम, सी यू उठाया. गोल्ड, यूरम इसका लैटिन लैंग्वेज का नेम है, ए यू. आयरन, फेरम, एफ ई. मरकरी, हरारगिरम, एच जी. पोटेशियम, कैलियम इसका नेम था, के. सोडियम, नेट्रियम, एन ए. लेड, प्लम्बम, पी बी. एंटीमनी, स्ट्रीबियम लैटिन लैंग्वेज में नेम था, एस बी. टंगस्टन, वोल्फमैन जर्मन नेम है इसका, डब्ल्यू. नेक्स्ट, बोरोन का बी, कार्बन सी, ये इंग्लिश के ही नेम है, इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर ही ऑलमोस्ट आपको मिलेगा. फ्लोरिन एफ, हाइड्रोजन एच, आयोडीन आई. एल्यूमिनियम ए एल, फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल. ऑर्गन ए आर, अर्सेनिक ए एस, बैरियम बी ए, बेरीलियम बी ई, बिस्मथ बी आई, ब्रोमिन बी आर, कैल्शियम सी ए. तो ये तो आपको लर्न ही करने होते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं. ऑलमोस्ट का फर्स्ट लेटर ही होगा, जब आप बार बार करते जाओगे आपको लगेगा ये तो रिपीट हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट लेटर की बजाय कभी फर्स्ट सेकेंड उठाना पड़ेगा तो कभी फर्स्ट थर्ड. कैल्शियम सी ए, क्लोरिन सी एल, कोबाल्ट सी ओ, क्रोमियम सी आर, और एलिमेंट के नेम भी धीरे धीरे लर्न होंगे. ऑक्सीजन ओ, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, यूरेनियम यू, वैनेडियम वी, लिथियम एल आई, मैग्नीशियम एम जी, मैग्नीज एम एन, मोलिब्डेनम एम ओ, निकल एन आई, नियोन एन ई, स्ट्रोंटियम एस आर, सिलिकॉन एस आई, पैलेडियम पी डी, प्लैटिनम पी टी, जिंक जेड एन. नेम ऑफ कॉपर, जो कॉपर का नेम है इज ड्राइव फ्रॉम क्यूप्रस, से लिया गया है, जो कि जगह का नेम था जहाँ पर इसे पहली बार कॉपर हमें मिला था. गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड, गोल्ड का जो नेम है वो लिया गया है इसके इंग्लिश वर्ड से जिसका मीनिंग था येलो. तो नेम ऑफ गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इट्स कलर, क्योंकि गोल्ड जो है वो थोड़ा गोल्डन कलर, येलोइश कलर है ना, और येलो को गोल्डन नेम दिया जाता है, सुनहरी कलर, इसीलिए इसका नाम ही गोल्ड रख दिया इसके कलर की वजह से. सो ये डिस्कशन था सिम्बल्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक का डिस्कशन करेंगे. टिल देन कंप्लीट दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस.